प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज परमेश्वर आपको आपकी बुलाहट बताएगा कि आप धरती पर किस लिए भेजे गए हो, क्योंकि वचन में लिखा है पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, और परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। एक बाइबल का किस्सा है, सच्ची घटना है और गवाही है, और परमेश्वर का एक अद्भुत काम और योजना उस गवाही के अंदर इंक्लूडेड है। तो सब आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजना बनाई, तो उसको आज जानने में बिल्कुल भी ढिलाई ना दिखाना, बस मजबूत रहना और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना और इस वीडियो को पूरा सुनना। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। एक राजा था, उस राजा के पास बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत सारी सेनाएं थी उसके पास, और उसने एक ऐलान निकलवाया कि एक नगर में जो भी पहलौटे हैं, कि एक नगर था उस नगर में जो भी पहलौटे हैं उन सभी पहलौटों की मृत्यु की जाए, मार दिया जाए। और हुआ क्या, सभी पहलौटों की मृत्यु कर दी गई, मार दिया गया, लेकिन एक बच्चा ऐसा बच गया जो परमेश्वर की योजना में था। और उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे को एक नदी में बहा दिया टोकरी में डालकर। हुआ क्या, अब वो बच्चा बहते बहते उसी राजा की बेटी के पास पहुँचा। वो बेटी नदी, उसकी राजा की बेटी नदी के पास थी, और फिर उसके बाद उस बेटी ने, राजा की बेटी ने उस बच्चे को उठाया, देखा ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, इसको मैं पालूंगी। तो परमेश्वर ने उसकी बेटी के मन में डाल दिया। अब इस बात का ध्यान रखना कि जो आपके शत्रु है ना, परमेश्वर आपके शत्रु के सामने मेज लगा देगा। जो उस बच्चे का शत्रु था, परमेश्वर ने उस बच्चे को उसके शत्रु के घर में पलवा दिया। इस बात का ध्यान रखना, खुदा की योजना हम कभी समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी योजनाएं हम सबके लिए बहुत अद्भुत है। हुआ क्या, उस बेटी ने उस लड़के को पाला, उस बच्चे को पाला। पालने के बाद वो बड़ा हुआ, उसी राजा के घर में उसका शत्रु उसको मारने वाला पैदा हो गया, बड़ा हो गया। और हुआ क्या, उसको तीरंदाजी में बहुत शौक था। वो लड़का बड़ा हुआ, अधिकार में था, उसके पाँव में लोग घुटने टेकते थे और दंडवत करते थे। बहुत अच्छे शाही घराने में रहता था, बहुत अच्छा कपड़े पहनने का तरीका, इत्र लगे रहते थे उसके कपड़ों में, और जैसे एक राजा की ज़िंदगी होती ना वैसे ज़िंदगी जीता था। और आप जानते ही हो कि राजा के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो हुआ क्या कि जब उसको पता चला, खुदा ने एक ऐसी योजना बना रखी थी जो सही समय पर सही तरीके से सही लोगों के बीच में होती है ना, तो हम कभी कभी उसको नहीं समझ पाते। तो खुदा की योजना जब उसके सामने आई कि वो सच में जिसको वो अपनी माँ कहता है, कि जिसने उसको पाला है, पोसा है, वो उसकी माँ नहीं है। जब उसको पता चला कि वो एक दूसरी कौम का है और दूसरे नगर का है, और उसके नगर के लोग उसके यहाँ पर खुद बंदी बन बैठे हैं और वो खुद उन पर अत्याचार करता है, जब उसको पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है कि मैं अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहा था, और जिन लोगों पर अत्याचार कर रहा था वो ही मेरे भाई बंधु हैं, और मुझसे ये सच आज तक छुपा कर रखा। जब उसके सामने वो परमेश्वर ने वो सच खोला कि सच में कि वो राजा का बेटा नहीं है, वो राजा की बेटी का बेटा नहीं है, वो तो गोद लिया गया है, वो तो एक नदी के किनारे एक टोकरे में था, तो उसको वहीं से उठाकर पाला गया है। फिर उसके बाद उसने देखा कि जो लोग बंदी बना रखे थे, बंदी बनाए गए थे, वो लोगों पर जब वो अत्याचार करता था, जब उसकी आंखें खुली, उसको पता चला कि ये तो मेरे ही लोग हैं जो उस नगर में रहा करते थे, और मेरे घर परिवार वाले लोग हैं जो उस नगर में रहा करते थे, आज मैं इन्हीं पर अत्याचार करता आया था और आपसे मैं नहीं करूँगा। तो उसने क्या करा, फिर उसने अपना सारा राजपाट छोड़कर अपने लोगों से बातचीत करने लगा, तो अचानक उसने देखा कि एक व्यक्ति उसी लड़के का, मतलब उसी राजा का एक सिपाही उसके लोगों को मार रहा था। तो उसको, उस बच्चे को जब वो बड़ा हो गया, जब उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई, तो उसने देखा कि नहीं भाई, तू हे सिपाही, तू मेरे लोगों को मत मार। तो मारे जा रहा, फिर उसके बाद उस लड़के को गुस्सा आया, उस राजा के बेटे को गुस्सा आया, मतलब वही जो गोद लिया गया था, उसको बहुत गुस्सा आया, तो उसने उस सिपाही को ही मार डाला। क्योंकि वो उसके लोगों को मार रहा था, एक तो उनको कैद कर रखा था, दूसरी बात उससे सच छुपा रखा था। और फिर उसके बाद मारने के बाद जब राजा को पता चला कि ये लड़का जो जिसको मेरी बेटी ने पाला था, इसने मेरे सिपाही को मार दिया है, तो फिर उसके बाद उस राजा ने एक ऐलान निकलवाया, जो ये लड़का जो हमारे घर में पला था, जिसको मेरी बेटी ने पाला, इसको ढूंढ के लेकर आओ और इसको मार दो जहाँ कहीं भी मिले। तो हुआ क्या, वो लड़का भागा, अपना सारा राजपाट छोड़ के, अपने राजा का सिंहासन छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा।
कहाँ घोड़े पर था, हुआ क्या, उसने सब कुछ छोड़ दिया, एक जंगल में चला गया। उसकी ने एक योजना, जो परमेश्वर की योजना थी, उसके जीवन में काम करना शुरू कर दी थी, लेकिन वो नहीं जानता था। उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई, परेशानियां आई। 40 साल का था जब उसने राजा का राजा की पदवी को छोड़ा, जब वहाँ से भाग निकला एक सिपाही को मार के, तो उस समय वो 40 वर्ष का था वो लड़का जब वो बड़ा हुआ। तो उसके बाद फिर वो एक जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद वहाँ पर उसकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। 50 साल का हुआ, 60 साल का हुआ, 70 साल का हुआ, धीरे धीरे करके फिर वो एक मिध्यान शहर में रहने लगा, मिध्यान नगर में रहने लगा। तो वहाँ पर एक रियाजक की 7 बेटियाँ थी, उनकी उसमें से एक बेटी से विवाह किया उस व्यक्ति ने। तो विवाह करने के बाद उसके 2 बेटे भी हुए। विवाह करने के बाद फिर वो वहीं पर एक घर जमाई बनकर रहने लगा। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसकी हालत ऐसे बिगड़ चुकी थी, दांत खराब हो चुके थे, चेहरा भद्दा हो चुका था, और बाल बिल्कुल चुप चुपे हो चुके थे, बिल्कुल गंदे हो चुके थे, बूढ़ा हो चुका था, 80 वर्ष का हो चुका था वो। मतलब जब उसने राजपाट छोड़ा उसके बाद 40 वर्ष तक वो भटकता रहा। उसके बाद उसकी शादी हुई, उसके बाद 2 बेटे हुए, उसके बाद वो भेड़ बकरी चराने लग गया। भेड़ बकरी चराने के बाद उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, बस अब मरा या तो अब मरा या तो अब मरा, ऐसी हालत हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, हाथ पर में जान ना बची थी, बिल्कुल थक चुका था, हार चुका था। और अपने कपड़े, उसके कपड़े इतने गंदे हो चुके थे, कहाँ एक टाइम पर राजपाट के राजाओं के घरानों के कपड़े पहनता था, शाही वस्त्र पहनता था, रॉयल फैमिली के वस्त्र पहनता था, इत्र लगा रहता था, और कहाँ दूसरी जगह। जब वो उस राजभवन से भाग कर आया, जब उसको 80 वर्ष हो गए, 80 वर्ष का जब वो हो गया, तो उसके कपड़ों से बदबू आने लगी, और कहाँ दूसरी जगह। जब वो राजभवन छोड़ा, अपनी राजा की गद्दी पे से जब हटा दिया गया वो, उसके बाद उसका जीवन ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे एक लाचार, बीमार या अनाथ या कोई बेघर या कोई गरीब जीता है, इस तरीके से जीवन हो गया था। कहाँ घोड़ों पर सवार करता था, और आज भेड़ बकरियों की छिछी पोटी को साफ करता है, और कपड़े इतने गंदे, कपड़े में बदबू आती थी, बाल लगे रहते थे, और चप्पल भी फटी फटी रहती थी, और कोई कुछ ओढ़ने के लिए भी नहीं होता था। मतलब परमेश्वर ने कितनी ऊंचाई से बिल्कुल नीचाई पे लेकर आ गया। कहते हैं ना, जो घमंड करता है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। उस समय उस लड़के को बहुत घमंड था, बहुत घमंड था जब उसके पास राजपाट था, लेकिन जब उसका राजपाट छीन लिया गया, जब वो वहाँ से भाग कर आया, तो इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, बिल्कुल गंदा हो चुका था, कोई पूछने वाला नहीं था, बिल्कुल भद्दा हो चुका था। क्योंकि कभी कभी हम अपने कामों पर, अपनी तीरंदाजी पर, अपने दौलत पर, शौहरत पर, बुद्धि पर, विचारों पर, अपने कामों पर घमंड करते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये तो मैं कर लेता हूँ, वो तो मैं कर लेता हूँ, तेरे से अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो परमेश्वर उसी चीज़ के अंदर हमें कमज़ोर बना देता है। क्यों? क्योंकि घमंडियों का सामना करता है वो, जो उसके सामने दीन और शिरोमणि बनती हो, जो उसके सामने दीन और नम्र बनता है ना, परमेश्वर उसको शिरोमणि बना देता है, बहुत ऊंचे पे उठा देता है। लोग उसको देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि मुझे सब कुछ आता है, कि मेरे सामने किसी की नहीं चल सकती, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा बात करने का तरीका तो किसी के पास है ही नहीं, मुझसे बड़े चमत्कार नहीं कर सकता कोई, लेकिन उसी को मट्टी चाटनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। तो वो घमंड था इस व्यक्ति के अंदर, वो घमंड था जब ये राजमहल में, राजाओं के घरानों में रहता था। तो खुदा ने इस व्यक्ति को घोड़े पे से उतार कर मट्टी चटवा दी, कहने का मतलब बिल्कुल दीनता नम्रता में लेकर आ गया, घुटनों के बल लेकर आ गया परमेश्वर। भेड़ बकरियों के साथ रहने लग गया ये व्यक्ति। मैं दोष नहीं लगा रहा, बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक गवाही के तौर पर आप सभी को बता रहा हूँ कि कभी किसी बात पर हमें घमंड नहीं करना, यदि है भी तो उसको निकालने की कोशिश करनी है। तो हुआ क्या, इसके बाद परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया। परमेश्वर को कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो चाहिए जो उसकी सुने, जो अगर परमेश्वर बोले ना बैठ तो बैठे, अगर परमेश्वर बोले खड़ा हो तो खड़ा हो जाए, अगर परमेश्वर बोले चल तो चले, अगर परमेश्वर बोले तो मेरे वचन का आगे का पालन कर तो जरूर करे, जैसा परमेश्वर का आत्मा बोले, जैसा परमेश्वर का वचन बोले और वैसा ही करे। परमेश्वर को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, उसको किसी की कोई ATH, BT या CTS की डिग्री नहीं चाहिए, कोई PhD की डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए उसको किसी व्यक्ति का, किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए उसको एक अच्छा सीधा साधा इंसान चाहिए जो दीन और नम्र हो।
और जो परमेश्वर का भय मानता हो। तो परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा था जो बिल्कुल दीन और नम्र है और जो परमेश्वर का भय मानता है और जो बिल्कुल टूट चुका है, जो बिखर चुका है, क्योंकि लिखा ना टूटा पिसा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान है। तो वो लड़का बहुत रोता था, परेशान होता था, बहुत दुख में होता था, उसको अपनी पुरानी जिंदगी याद आती थी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता था। वो छोड़ दिया था उसने सब कुछ, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था उसकी जिंदगी में। तो हुआ क्या, एक दिन वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, एक झाड़ी में आग लगी। तो आग लगने के बाद उस झाड़ी में से आवाज आने लगी। आवाज आई, क्या आवाज आई, मूसा 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 मेरे पास आ, और जहां पर तू खड़ा है ना, उस वो पवित्र स्थान है, ये पवित्र भूमि है, इस पर से अपनी चप्पल को उतार दे। तो उस समय बाबा मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा मूसा। परमेश्वर की योजना इतनी अद्भुत थी कि परमेश्वर को मैंने फिर से कहा, मैंने खुदा का आत्मा कह रहा कि परमेश्वर को कोई बड़ा अच्छे औहदे वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो चाहिए जिसका कोई नहीं है, जिसको सबने छोड़ दिया, जो टूट और बिखर चुका है, जो पिस चुका है, उससे परमेश्वर बात करना चाहता है, उससे बोलना चाहता है, अपने दिल का हाल बताना चाहता है, उसको बुलाना चाहता है, उसको इस्तेमाल करना चाहता है। जब मूसा सब कुछ हार चुका था, खत्म हो चुका था मूसा की जिंदगी में, 80 साल की उम्र हो चुकी थी, बड़ी दाढ़ी हो चुकी थी, मुंह भद्दा हो चुका था, सफेद बाल हो चुके थे, कपड़ों में से बदबू आती थी, और घर जमाई बन चुका था, गुलाम बन के जी रहा था, दीन और नम्र हो चुका था, उस समय परमेश्वर ने मूसा से बात करी, कहा कि मूसा मूसा मेरे पास आ, देख मैं तुझे जिस राज्य से तू भाग कर आया, मैं तुझे वहां पर फिर से भेजता हूँ, उस मिस्र में जा, तू मेरे लोगों को छुड़ा, क्योंकि मैंने मेरे लोगों का चिल्लाना सुना है। परमेश्वर ने उसको बोला, उसको परमेश्वर ने 7 बार बोला कि मूसा जा, मेरे लोगों का दुख नहीं देख सकता मैं। मूसा से 7 बार परमेश्वर ने बोला, कई बार परमेश्वर ने बोला, लेकिन मूसा ने 7 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया कि प्रभु मैं तो सकल में भद्दा हूं, किसी और को देख ले, कुछ ना कुछ बहाने। जैसे कभी कभी परमेश्वर हमें लगता है ना कि हाँ भाई ये तो नामुमकिन है, ये तो नहीं हो सकता प्रभु, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें कहता है तू कर, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं तेरे साथ हूँ, क्या मेरे सामने कोई ठहर सकता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना पाएगा। तो परमेश्वर हमारे साथ होते हुए भी कभी कभी हम परमेश्वर की योजनाओं से मुकर जाते हैं, परमेश्वर हमें हमारे विरुद्ध वाली योजना में मजबूत बनाता है, जिस चीज से हम डरते हैं परमेश्वर उसी चीज में हमें स्ट्रांग करता है, लेकिन हम उस चीज में और डर कर अपने आप को और कमजोर कर लेते हैं, हम मना कर देते हैं उसकी योजना को। तो इसी तरीके से बाबा मूसा ने मना किया, 7 बार परमेश्वर की योजना का इनकार किया। लिखा है कि परमेश्वर मूसा को मार ही डालने पर था, इतने में मूसा ने हाँ बोल दिया। तो परमेश्वर पिता की, परमेश्वर यहोवा की शक्ति बाबा मूसा पर प्रकट हुई। तो हुआ क्या कि फिर बाबा मूसा ने हाँ बोला, तो बाबा मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया। ये 40 वर्ष, जब 40 साल का वो समय जब वो राजपाट का था मूसा, बाबा मूसा का, उस समय उन्होंने बहुत अच्छी ऐशो आराम वाली जिंदगी जी, लेकिन जिस कार्य के लिए परमेश्वर को चुनना है वो कोई आम कार्य नहीं था, वो बहुत बड़ा कार्य था। 24 लाख से ज्यादा इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाना था, ये कोई छोटी भीड़ नहीं थी, ये बहुत बड़ी भीड़ थी। इसके लिए बहुत अच्छा समर्पण और बहुत गहरी दीनता नम्रता और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें परमेश्वर की ओर नज़दीक लेकर आती हैं, वो होना ज़रूरी था, जो मूसा बाबा के अंदर नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की योजना ये थी कि मूसा उस घोड़े पर से उतरे, अपने राजपाट को छोड़े, शाही घराने को छोड़े और बिल्कुल धरती पर नंगे पैर आ जाए। दीनता नम्रता कर लेकर आना चाहता है परमेश्वर हमको। हम कभी कभी उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता था ये इसका टेस्टिंग टाइम है, अगर ये इस टेस्ट में पास हो गया तो ही इसके जीवन में टेस्टिमनी बन पाएगी, ये इसकी जिंदगी का एक तैयार होने का समय है, ये इसका टेस्ट चल रहा है, इसमें मुझे इसको तैयार करना है। वो 40 वर्ष मूसा को तैयार होने में लगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ को जीतना था। तो यही है, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से इस तरीके से बात करी कि आपको, अगर आप कभी निर्गमन का अध्याय पढ़ोगे ना, उसमें हर अध्याय में शुरुआत में और हर लाइन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यहोवा ने मूसा से कहा,
यहोवा ने मूसा से कहा। इतना अच्छा परमेश्वर के साथ रिश्ता बाबा मूसा का हो गया। लिखा है परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा। इस बात को समझने की कोशिश करो, इस बात की गहराई जानो। और परमेश्वर ने जब आज्ञा दी कि जा मिस्र देश में जा और मेरे इसराइलियों का मैंने रोना सुना है, उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आ, मैंने तुझे सामर्थ दिया, मैंने तुझे शक्ति दिया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ से मूसा बाबा का अभिषेक किया। अगर परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल करना चाहता है ना, तो उसके लिए पहले आपको तैयार करेगा कि कभी आप किसी के सामने कमजोर ना बनो, कभी कोई समस्या को देखकर ना डरो कि उस समस्या पे शत्रु पर जय पाओ, क्योंकि यहोवा आपके साथ में है। तो परमेश्वर ने पहले सामर्थ और ताकत से मूसा बाबा का अभिषेक किया, जभी तो 10 विपत्तियां भेजी गई, क्योंकि मूसा को यह अधिकार दिया गया। इस बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आप जान सकते हो कि किसको समुद्र को लाल बनाने का अधिकार है, दो भाग करने का अधिकार है, ये परमेश्वर ने बाबा मूसा को दिया। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर बाबा मूसा के द्वारा उस 24 लाख इसराइलियों की भीड़ को लेकर आया, सिर्फ एक ही लीडर था। कौन था? बाबा मूसा। ये कोई आम बात नहीं है। आज अगर 200, 300, 400 या 1000 या 1 लाख, मान लो 1 लाख भी भीड़ अगर हमारे पीछे, अगर आपके पीछे होती भी है, तो उसको संभालना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आंसू बहाने पड़ते हैं, उनके लिए रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, उनके लिए प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, हर पल हर क्षण उनके लिए तैयार रहना पड़ता है, अपने आप को बुलाए जाने और चुन ले जाने को भलीभांति सिद्ध करने का यत्न करना पड़ता है। बहुत सारी बातें सहनी भी पड़ती हैं, अच्छी भी सहनी पड़ती हैं, बुरी भी सहनी पड़ती है, सुननी भी पड़ती है, सब कुछ करने के बाद भी। यह आसान नहीं है। बहुत पवित्रता, सच्चाई, खराई का, बहुत खराई का जीवन चाहिए इस बात के लिए। बहुत सामर्थ्य, बहुत दीनता, नम्रता का जीवन चाहिए। इसमें ऐसा नहीं चलता कि सामने वाले ने 4 बातें बोल दी और हमने उसको 4 सुना दी। इसमें आप, अगर आप चाहो तो मैं आपको कुछ वचन पढ़ के अभी बताऊंगा, इसको आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर के प्रेरितों का जीवन कैसा था, कि एक भविष्यद्वक्ता और प्रेरित का जीवन कैसा होता है और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए अगर हम ऐसे बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। तो जैसे कि लिखा है 1 कुरिन्थियों 4:9 में, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। मतलब जिनका मरना तय हो चुका है ना, कि ये लोग तो मरेंगे, और जिनका नाश होना तय हो चुका है, उनके उनके समान ठहराया है। जैसे कि अभी मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। जगत के लिए एक तमाशा है, स्वर्गदूतों के लिए एक तमाशा है, और मनुष्यों के लिए एक तमाशा है, एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता और प्रेरित। इनकी जिंदगी ऐसी होती है। अगर आप जानोगे ना, अगर आप बनना चाहते हो, तो इस बात को ध्यान से सुनना। लिखा है हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, लेकिन तुम बुद्धिमान हो। हम तो निर्बल हैं, ये परमेश्वर के अभिषेक कह रहे हैं, परमेश्वर के प्रेरित कह रहे हैं कि परंतु तुम बलवान हो। हम निर्बल हैं, तुम बलवान हो। तुम तो आदर पाते हो, परंतु मेरा निरादर होता है। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम उनके लिए विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। ये होता है एक भविष्यद्वक्ता का, एक अपोस्टल का जीवन, जिसमें बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं, जिसमें खुदा सामर्थ और अनुग्रह देता है हमें जीने के लिए, और हमारी मदद और सहायता करने के लिए, हमें आत्मबल देने के लिए। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर बाबा मूसा के द्वारा उन 24 लाख इसराइली को लेकर आया, इसी तरीके से परमेश्वर ने बाबा मूसा को तैयार किया। कहाँ 40 वर्ष की वो जिंदगी बिल्कुल आलीशान जिंदगी जी रहे थे, फिर उसके बाद परमेश्वर ने बिल्कुल वहां से पल भर में हटाकर उनको, और 40 वर्ष उनको तैयार करने में लगे। अगर इंसान, अब जैसे परमेश्वर ने आपको कॉलिंग बताई है, आपकी भविष्यद्वक्ता बताया है, या अपोस्टल चुना है, या कुछ भी आपको चुना है, या किसी के द्वारा भविष्यवाणी करवाई है, या आपको दर्शन दिया है परमेश्वर ने, अगर आप उस दर्शन को नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसमें आपकी गलती है। अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो उसके अंदर मेरी गलती है। परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि 2021 में आप, परमेश्वर 2021 में एक भविष्यद्वक्ता, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई, हाँ भाई तू भविष्यद्वक्ता बनेगा, तू परमेश्वर का अपोस्टल बनेगा, अगर वो लड़का 2020 में ही अगर सो जाता है,
वो अपनी बुलाहट तक नहीं पहुंच पाता जिसमें उसको 2021 में 1 लाख आत्माओं को सुसमाचार सुनाना था। अगर वो 2020 में ही पहले ही सो जाता है, ख़त्म हो जाता है या मसीह में सो जाता है, तो उसके अंदर परमेश्वर की गलती नहीं है। वो अपनी गलती के कारण उस बुलाहट तक नहीं पहुँच पाया है, उस टेस्ट में पास नहीं हो पाया है। तो बस हमें यही ध्यान रखना है, हमें अपनी बुलाहट नहीं खोनी है। और शिमशोन नाम के एक भविष्यवक्ता के बारे में आपने सुना ही होगा, परमेश्वर का वो नाजीर था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ था, गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारता था, कोई नहीं बंदी बना पाया था उसको। लेकिन जब पाप किया तो वो कॉलिंग, परमेश्वर ने वो बुलाहट उसकी छीन ली और उसकी आंखें फोड़ दी गई, उस वो नाश हो गया। लिखा है जब उसने पाप किया, व्यभिचार किया, तो यहोवा उसके पास से चला गया। तो परमेश्वर हमें बुलाहट तो देता है, लेकिन उस बुलाहट को हमें खोना नहीं है। तो बाबा मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया, उस टेस्ट में बाबा मूसा पास हो गए, और फिर बाबा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा लिया। इसराइलियों की गिनती 24 लाख से ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद हारून नाम के परमेश्वर के दास बाबा मूसा के साथ रहा करते थे। तो हारून ने एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है आपको कि हारून ने अगर परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर तू बाबा मूसा को एक 5 मिनट का संदेश देता है, तो वो संदेश फिर वो मेरे पास पहुंचता तो वो 10 मिनट लग जाते हैं उसको, फिर मेरे पास मेरे बाद फिर वो तेरे इसराइलियों तक पहुंचता है, 24 लाख तक पहुंचता है, तो उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है। प्रभु तू बाबा मूसा को ना देकर डायरेक्ट तू मेरे ही मन में दे दे, मुझे ही दर्शन दे दे, या मुझे ही वो बातें बता दे जो तेरे लोगों को बतानी है। और क्या कहते हैं प्रभु देख, क्योंकि बाबा मूसा की बात तो इसराइली को समझ में नहीं आती, क्योंकि मूसा तो हकलाता है, उसकी बात को उसकी आवाज़ को तो मैं ही समझ पाता हूँ। अगर तो प्रभु मुझे ही डायरेक्टली बता देगा, मेरे मन में मेरी आत्मा में बता देगा कि तू क्या कहना चाहता है, तेरी योजना क्या है आगे के लिए, इसराइली को आगे कहाँ जाना है, तो डायरेक्टली तेरा समय भी खराब नहीं होगा, इसराइली को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बाबा मूसा भी फ्री हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर ऐसा क्या है तू मुझे नहीं बताता, तो बाबा मूसा पर ही प्रकट करता है कि आगे क्या करना है, इन लोगों को आगे कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, प्रभु मुझ पर प्रकट करना। तो परमेश्वर के उस अभिषिक्त हारून को परमेश्वर की आत्मा ने एक उत्तर दिया, एक नॉर्मली एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है आपको, आंसर दिया कि तू जानता है कि पूरे पृथ्वी पर मूसा के समान कोई दीन और नम्र मुझे व्यक्ति कोई नहीं मिला जो मेरी आवाज को सुन सके, जो मेरे कहे को मान सके। अगर तू इस योग्य होता तो मैं तुझसे बात करता। इसीलिए परमेश्वर मूसा से बात करता था, चाहे वो शकल का बंदा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर बाबा मूसा से बात करता था। लिखा है ना निर्गमन में कि यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, जितने हम दीन और नम्र होंगे उतना परमेश्वर हमारे निकट आएगा, हमारी बातों को सुनेगा, समझेगा, हमसे बात करेगा, हमें सिखाएगा, समझाएगा, चलाएगा अपने अनुग्रह से, हमें अपने अनुसार चलाएगा। यही बातें होती है, इंसान परमेश्वर की आवाज़ को सुन क्यों नहीं पाता है। हमें दीन और नम्र होना ज़रूरी है। परमेश्वर यहोवा ने बाबा मूसा की खुद गवाही दी कि मूसा के समान दीन और नम्र व्यक्ति मुझे पूरे पृथ्वी भर में कोई नहीं मिला कि मैं उसको इसराइली को छुड़ाने के लिए भेजूं या मैं उससे बात करूं। सिर्फ बाबा मूसा ही मिले थे, और परमेश्वर ने बाबा मूसा को वो दर्शन दिया जो आज तक कोई नहीं पा पाया। कौन सा? परमेश्वर ने अपनी पीठ पर पूरा उत्पत्ति से लेकर कई किताबें, शुरुआती कई किताबें बाबा मूसा को दिखाई कि परमेश्वर ने शुरुआत कैसे की, आदम और हवा को कैसे रचा, धरती और आकाश को कैसे बनाया, नूआ का समय कैसे आया। ये बातें सारी परमेश्वर ने बाबा मूसा को प्रकट करी अपनी पीठ पर, क्योंकि बाबा मूसा ने कहा था, पिता मैं तुझे देखना चाहता हूँ, हे यहोवा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा, मूसा नहीं, तू मुझे नहीं देख सकता, अगर तू मुझे देखेगा तो मेरे तेज से भस्म हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर तू देखना चाहता है तो मैं यहाँ से गुजरूंगा इस पहाड़ी के बगल से, अगर तू देखना चाहता है तो मेरी पीठ ही को देख पाएगा। तो उस पल भर के क्षण, उस क्षण भर के मोमेंट में परमेश्वर ने अपनी पीठ पर बाबा मूसा को शुरुआत का पूरा एक दर्शन दिखाया कि परमेश्वर ने धरती और आकाश को कैसे रचा, आदम और हवा को कैसे बनाया, फिर उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब परमेश्वर ने बाबा मूसा को दिखाया। और आपको मालूम होगा कि बाबा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए जो आज तक धरती पर नहीं हो पाए। बड़े बड़े समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर डाला, और परमेश्वर ने बाबा मूसा के द्वारा 10 विपत्तियां भेजी जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े चमत्कार जो आज तक नहीं होते परमेश्वर ने उस लीडर के द्वारा किए जिसको
तैयार करने में 40 वर्ष लगे। बुलाहट की कोई उम्र नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। सच में प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। बस एक बात कहना चाहूँगा, अपनी बुलाहट को कभी मत भूलना। अगर आप परमेश्वर ने आपके लिए अगर क्या परमेश्वर ने योजना बना रखी है, उसने चुना है आपको, उसने कहा है आपसे, आज वो कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख जाति जाति पर तो घोर अंधकार है, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय होगा। उठ अपनी कमर बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा। क्या मैंने तुझे नहीं कहा, क्या मैंने तेरी कमर नहीं कसी, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, हिया बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। तू सिर्फ मेरी ओर ताक, देख मैं तुझे कैसे ऊंचा उठाऊंगा। अपने आप को मेरे लिए दे दे, मैं तुझे धन्य लोगों की श्रेणी में गिनूंगा। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करें इस विषय में। सच में परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना रखी थी बाबा मूसा के लिए, लेकिन वो समझ में बाद में आई, क्योंकि जो परमेश्वर हमें बड़ा देता है पहले उसके हमें योग्य बनाता है कि हम उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को, उस योजना को, उस सामर्थ को, उस ताकत को, उस जिम्मेदारी को कभी खोने ना पाएं, और परमेश्वर की आंखों में कभी आंसू ना आए, और परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बुलाहट को कभी गंवाने ना पाएं। और परमेश्वर ने जो भरोसा आप पर और मुझ पर किया है, कभी उसको हम धोखा ना दें, कभी उस भरोसे को हम तोड़ने ना पाएं। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी के मन की आंखें ज्योतिर्मय करें। आप सभी को जय मसीह की।